गाइस अभिनव अरोड़ा के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो अपने आप को इंडियन यंगेस्ट स्पिरिचुअल अर्थर होने का दावा करता है। लेकिन गाइस अभिनव अरोड़ा जो कुछ भी बोलता है, क्या उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है, क्या सब कुछ प्लानिंग के साथ होता है? जी हां गाइस, अभी इन्हीं सभी चीजों की डार्क रियलिटी को एक्सपोज करते हुए ओनली देसी यूट्यूब चैनल ने दो वीडियो अपलोड किया। उन वीडियो में से मैं कुछ क्लिप आपके सामने भी शो कर रहा हूँ, आप चाहो तो उनकी चैनल पे जाके फुल वीडियो देख सकते हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे मुझे लगता है कि अभिनव जो भी चीजें बोलता है ना, वो सब उसे भगवान ने नहीं सिखाई है, वो सब चीजें उसे रटाई गई है। वो काफी ऑब्वियस था। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो 2020 और 21 के बीच में ना, तरुण अरोड़ा जो अभिनव के पापा हैं, उन्होंने एक आइसक्रीम कंपनी खोली जिसका नाम था पादुदा एक्सप्रेस, जिसमें उन्होंने लोगों को बोला कि तुम हमको 3-4 लाख रुपए दो और बदले में हम तुमको 3-4 आइसक्रीम कार्ट देंगे। वो जो रोड पे कार्ट लेके चलते ना आइसक्रीम वाले, वो 3,87,000 रुपए का शुल्क है जिसमें हम 4 कार्ड सोने देंगे। तो ये था उनका बिजनेस जिसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ एड्स बनवाए। एंड गेस उस एड में उनका मेन हीरो कौन था? फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज, कुछ भेज रहा हूँ मेरे जैसा स्वीट स्वीट। तो इस एड में अभिनव के कपड़े भी बाकी बच्चों जैसे हैं और उसके रूम में भी खिलौने हैं बच्चों वाले, जो अगर आप अभी उसके अभी के वीडियोस देखोगे ना, तो वो ये दो रूम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो वर्ड्स यूज कर रहा है जैसे गॉड, ये इंपॉर्टेंट गॉड से भी ज्यादा होती है। और अब तुम लोग उसके मुंह से ये गॉड शब्द कभी नहीं सुनोगे, वो हमेशा बोलता है राधा रानी नंद किशोर है बिहारी जी राधा रानी। उस वीडियो में अपनी मम्मी को एड्रेस करने के लिए वो बड़े प्यार से बोल रहा है मम्मा, गुड इवनिंग मम्मा, सुपर मम्मी है तू मेरी। लेकिन अब उसके मुंह से सिर्फ मैया निकलता है और मेरी मैया ने मेरे साथ कंडीशंस रख रखी, मैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। अब तुम में से कुछ सोच रहे होंगे कि अरे तब तो वो बहुत ही छोटा था, तब से भक्ति थोड़ी शुरू की होगी, वो तो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तब शुरू की होगी ना। Well, अभिनव के हिसाब से मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। तो देखो ये दोनों लाइफस्टाइल्स में एक तो फेक है। अब तुम में से कुछ बोलोगे कि अरे वो तो एक एड था, उससे वो सब चीजें करवाई गई है, बुलवाई गई है, स्क्रिप्टेड था सब कुछ। तो तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है कि जो चीजें वो अभी कर रहा है वो भी स्क्रिप्टेड नहीं है, वो भी उससे बुलवाई या करवाई नहीं जा रही है? वो अभिनव से बुलवाते हैं कि रसिकन की झूठी प्रसादी पा करके अपने जीवन का गुजारा करूंगा, महल भी छोड़ दूंगा लेकिन मैं ब्रिज की कुटिया में रह लूंगा। तो क्या वहाँ का रास्ता ये ब्रांड डील से होते हुए जाता है? आज मैं आपको लेकर के आया हूँ प्रियंका वंसल की फैमिली। और मुझे ब्रांड डील्स करने से प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने बच्चे से ये मत बुलवाइए कि उसे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, वो छोटी सी कुटिया में रहेगा। कुटिया में रह लूंगा, बढ़िया बढ़िया। फिर यहाँ पे एक लेजिट क्वेश्चन है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो हमारी संस्कृति रिलीजन को ही तो प्रमोट कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ही डजंट क्वालिफाई, वो एक स्पिरिचुअल ओरेटर बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं करता। और वो मैंने लाइक लास्ट पीरियड में बताया भी था कैसे उसे चीजें सिर्फ रटाई गई है। और देखो जो गरीब लोग है, जो बिल्कुल ही हताश लोग है ना, वो लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं इनके पास। तुम लोगों को क्या लगता है ये जो इवेंट्स होते हैं ये फ्री में होते हैं? चलो ठीक है, अगर वो पैसे ले भी रहे हैं तो वो रिटर्न में क्या दे रहे हैं अपने भक्तों को? लोग तो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे ना, तो ये जो बच्चा, इससे अगर आप थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन पूछ लो तो वो घबरा जाता है। सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? होते हैं परेशान? नहीं, I don't know, अगर तुम लोगों को दिख रहा है, लेकिन वो बार बार पीछे देख रहा है कि भाई मुझे बताओ मैं क्या बोलूं। और एक बार तो उसके लिप्स देख के मुझे सच में लगा कि उसने बोला कि मैं क्या बोलूं। अच्छा, अब ये मुझे बताइए क्या वो कुछ दिक्कत हो रही है फोन में? नहीं नहीं, अब ठीक है। तो ये बच्चा जिसकी बातें सुनने के लिए कोई गरीब आदमी पता नहीं कितनी दूर से आया होगा, कितने पैसे खर्च करके आया होगा अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो ये उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा? वो तो बस उनके सामने रटाया हुआ कोई श्लोक बोल देगा। तो यहाँ पे किसी के पैसे वेस्ट हुए कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। ये सब अगर रुका नहीं ना, तो ये जो फेक बाबाज है ना, ये लोग धर्म को सच में मजाक बना देंगे। इन्होंने अपने आप को मीम बना लिया भाई, लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं ताकि इनकी क्लिप्स से मीम बना सके। और ये फेक बाबा अपने साथ हमारे रिलीजन को भी डुबा रहे हैं, इसलिए रिलीजन को डिफेंड करो, ह्यूमंस को नहीं।